वॉट इफ एपिसोड 1। देखो, जिसको सिर्फ इतना जानना है कि ये एपिसोड कैसा था और कैसा नहीं, अच्छा था या बुरा था, तो मैं उनको बता दूं कि ये एपिसोड माइंड ब्लोइंग था। अगर नहीं देखा तो जाके अभी देखो और इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। देखो, जब मैंने इस सीरीज का ट्रेलर देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मार्वल जैसे अपनी मूवीज को लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाकर जोड़ता है, वैसे इस व्हाट इफ सीरीज के साथ भी करेगा, पर मार्वल ने ऐसा कुछ नहीं किया। पर यार, सच में जिस तरीके से मार्वल ने आई की स्टोरी को इस एपिसोड से जोड़ा है ना, सच में मजा आ गया। और स्टोरी को जिस खूबसूरती से मार्वल ने चेंज किया है ना, वो भी काबिले तारीफ है। शुरुआत में स्टोरी जब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था कि कितनी बोरिंग स्टोरी जा रही है, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी और जो जो चेंजेस दिखे, कसम से मजा ही आ गया। प्लस ट्रेलर देख के पता लग गया था कि ये जो स्टोरी होगी वो वॉचर के नजरिए से दिखाई जाएगी। एपिसोड में हमें वॉचर के नजरिए से स्टोरी तो दिखाई गई, पर उसके साथ साथ वॉचर ने हमें गाइड भी करा और एग्जैक्टली वो पॉइंट भी बताया जिस पॉइंट की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। तो स्टोरी की शुरुआत होती है वॉचर की वॉइस से, जहां वो अपना डायलॉग बोलता है, स्पेस टाइम रियलिटी, बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद वॉचर हमें बताता है कि कैसे अर्थ जून 1943 में जो नाजी थे उन्होंने आतंक फैला रखा था, और कैसे एक पतले से लड़के को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुना गया, और कैसे वो कैप्टन अमेरिका बना, और कैसे उसने पूरे अर्थ को बचाया। पर यहाँ दूसरे यूनिवर्स में कैसे सिर्फ एक छोटे से फैसले की वजह से पूरी कहानी ही चेंज हो गई। मतलब वॉचर के मुताबिक दूसरे यूनिवर्स में भी सब कुछ वैसा ही होने वाला था। सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव रॉजर को चुना गया था, और एक्सपेरिमेंट वाले दिन वो उस मशीन पर जाके लेट भी गया था, पर पैरी कार्टर के एक छोटे से फैसले की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। और वो छोटा सा फैसला कुछ ऐसा था कि आपको याद होगा कि एक्सपेरिमेंट वाले दिन जब डॉक्टर एब्राहम पैगी कार्टर से ये बोलते हैं कि एजेंट कार्टर के आपको नहीं लगता कि ऊपर उस बूथ में आपको ज्यादा आराम मिलेगा, और उसी बात को मानते हुए वो ऊपर चली जाती हैं। बस इसी पॉइंट पे चेंज ये था कि दूसरे यूनिवर्स में पैगी कार्टर डॉक्टर की बात ना मानते हुए वही नीचे रुकने का फैसला करती हैं। बस इसी छोटे से फैसले की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। इसी छोटे से फैसले की वजह से जो हाइड्रा की तरफ से बंदा आया हुआ था एक्सपेरिमेंट फेल करने के लिए, उसने अपना बॉम्ब ब्लास्ट वाला प्लान थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया, जिसकी वजह से पैगी कार्टर ने उसे देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की। और इन्हीं सब के चलते पैगी कार्टर बनी कैप्टन कार्टर। वो जब आप पूरा सीन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो चलो सब नॉर्मल था कि हमें अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया गया, या अच्छे तरीके से ये दिखा दिया गया कि स्टीव की जगह पैगी कार्टर कैप्टन कार्टर कैसे बनी। पर आगे की स्टोरी जिस तरीके से धीरे धीरे चेंज हुई, सच में वो लाजवाब था। आगे की स्टोरी में पैगी कार्टर के कैप्टन कार्टर बनने के बाद वो अलग अलग मिशंस पर जाना स्टार्ट करती हैं, जैसे अपने कैप्टन अमेरिका जाते थे। पर यहाँ पे चेंज ये था कि सिर्फ कैप्टन कार्टर ही मिशंस पर नहीं जाती, बल्कि स्टीव रॉजर भी उनके साथ जाते हैं। और यहाँ पे कमाल की बात ये थी कि स्टीव रॉजर के पास आर्मर था, जो कि उसे हावर्ड स्टार्क बना के देते हैं, और सेम वैसा ही आर्मर जैसा आर्मर आयरन मैन ने उस केप में बनाया था। और ये चीज देख के सच में मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था। पर सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होते। अब अगर तुम लोग को ध्यान हो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में जो एंड का सीन था, जहाँ पर रेड स्कल को डेसरेट क्यूब ने वॉरमेन में टेलीपोर्ट कर दिया था, पर क्योंकि ये दूसरा यूनिवर्स है तो यहाँ पे चेंजेस तो होंगे ही। तो यहाँ पे चेंज ये था कि एंड के सीन में रेड स्कल एक्सपेरिमेंट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर उसे रोकने के लिए कैप्टन कार्टर आ जाती है, और जैसे ही वहाँ कैप्टन कार्टर आती है वैसे ही वहाँ डेसरेट क्यूब की वजह से एक पोर्टल खुल जाता है, और उसमें से निकलता है एक जाइंट ऑक्टोपस जो कि सबसे पहले रेड स्कल को ही मारता है। ये सीन मुझे थोड़ा फनी लगा था, क्योंकि जैसे ही कैप्टन कार्टर वहाँ पे आई और रेड स्कल ने उन्हें देखा, वैसे ही रेड स्कल डायलॉग मारता है कि तुम थोड़ा लेट हो गई, और उसके बाद ऑक्टोपस ने रेड स्कल को पिचका दिया। और इस चीज को देख के जो हावर्ड स्टार्क का रिएक्शन था वो काफी फनी था। ओवरऑल ये पूरा सीन जिस तरीके से क्रिएट किया गया था, सच में वो काफी फनी लगा था मुझे। फिलहाल उसके बाद जाइंट ऑक्टोपस को वापस उस पोर्टल में भेजने के लिए कैप्टन कार्टर को भी उस पोर्टल में जाना ही पड़ता है, और सोचो वो पोर्टल कहाँ जाके खुला होगा। 2012 की द अवेंजर के उस सीन में जहाँ से लोकी डेसरेट क्यूब की वजह से बाहर निकला था। और ऐसा भी नहीं था कि कैप्टन कार्टर नॉर्मली चलते हुए बाहर निकलती है, बल्कि वो जाइंट ऑक्टोपस के टुकड़ों के साथ बाहर निकलती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये निकलती है कि यहाँ पे डेसरेट क्यूब ने कैप्टन कार्टर को फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर दिया। ओवरऑल मैं बताऊं तो एपिसोड बहुत ही बेहतरीन था, फुल पैसा वसूल था, और सच में मुझे तो बहुत ही मजा आया। अगर तुम लोगों ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड है। और अगर देख लिया है तो नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो बस फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।